कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा पितुर्भो कवितन्मनः। कई नरेश, युद्ध टल सकता है, मानव व्रत मिट्टी में मिलने से रोका जा सकता है, तुम सर्वनाश के संकट से बच भी सकते हो, किंतु सबका केवल एक ही उपाय है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो, मेरी प्रभु सत्ता स्वीकार कर लो और लौट जाओ यहां से, लौट जाओ। हम कहां से लौट जाएं लंकेश, हम तो अपनी सीमा के भीतर हैं। लौटना तो तुमको है जो अपनी सीमा छोड़कर हमारी सीमा में घुस आए हो। हम तो केवल अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा? तनिक अपनी सेना की ओर देखो कैकेयी नरेश, और फिर दृष्टि डालो मेरी सेना की ओर। मेरी सेना बाढ़ की रेले के भांति तुम्हारी सेना को तिनके की भांति बाहर ले जाएगी। न करें कैकेयी नरेश, मैं आ गया हूं। तो कैकेयी ने अपनी सहायता के लिए पड़ोसियों को भी बुला लिया। संकट के समय एक पड़ोसी की सहायता करना दूसरे पड़ोसी का धर्म है।
और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करना मेरा धर्म है, रावण का धर्म। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या नरेश कि राज्य सीमाओं के विस्तार की इस योजना में कैकेयी के साथ आपने अयोध्या का नाम स्वयं जोड़ दिया। हे लंकेश, बलपूर्वक अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। अच्छा है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर फले फूले, यही शांति समृद्धि और सभ्यता की मांग है। मैं असुर हूं महाराज दशरथ, असुर। असुर सभ्यता और मानव सभ्यता कभी मिलकर कोई निर्णय नहीं कर सकते, केवल लड़कर कर सकते हैं। इसी कारण वार्तालाप में कोई लाभ नहीं। आक्रमण करो, आक्रमण। महाराज दशरथ सावधान। सावधान। महाराज दशरथ तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण हूँ, रावण। उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो। आपको आदेश देती हूं कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, मैं यहां हूं। क्षेत्र संभालिए महाराज, मैं रथ संभालता हूं। धन्यवाद वीर सैनिक।
महाराज दशरथ चलो सर चलो चलो आगे बढ़ो पराजित नरेश को बंदी बनाकर उसे और अपमानित नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना कि जब भी अपनी सीमा पार करने का प्रयास करोगे तो अपमान और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जाओ जाओ
चलो सारथी। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। रथ संभालने वाली दो बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना तुम कौन हो? मैं केकेई नरेश की पुत्री केकेई हूं महाराज। केकेई नरेश ने तुम्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? मैंने अनुमति मांगी ही नहीं। जब मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ मेरे पिताश्री की सहायता के लिए आ रहे हैं तो मैंने भी निर्णय कर लिया कि ऐसे पड़ोसी का धर्म निभाने वाले की सेवा मैं अवश्य करूंगी। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सारथी पाकर मैं धन्य हो गया। जीत गया मन सारथी हुआ ये कैसा मेल, इसमें विधना ने भला खेला कैसा खेल। केकेई ने कर दिया वचन साकार, जहां है ऐसी नारियां होगी वहां